राजनांदगांव में शासकीय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सिलेंडर से ऑक्सीजन निकलने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद वार्ड में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला गया। वहीं हॉस्पिटल में तैनात जवान की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव तेजी से होने लगा। रात 1:30 बजे ऑक्सीजन गैस के रिसाव से वार्ड में भर्ती 9 अति गंभीर मरीजों को तत्काल वार्ड से बाहर निकाला गया। वहीं हॉस्पिटल पुलिस चौकी में तैनात जवान अमित समुद्रे ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों को काबू में किया। पूरे घटनाक्रम के दौरान एक गंभीर मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1:30 बजे की घटना है और मुझे अस्पताल चौकी में मेरी ड्यूटी है। जब मुझे 1:30 बजे किसी के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर गैस लीकेज हो गया है, यहाँ मैंने आके देखा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भर्ती थे जिन्हें तत्काल बाहर किया गया और उनका इलाज चल रहा था। उस समय फायर ब्रिगेड लाकर हम लोगों ने बहुत कड़ी मशक्कत के बाद उसको बुझाया। मेरे रहते हुए यहाँ पर गैस लीकेज हुआ, मेरे पिता जी का इलाज हो रहा था, वहाँ गैस लीकेज हुआ, फिर सब लोग एक बाहर हुए, गैस था इसलिए उसके बाद धीरे धीरे करके पेशेंट को एक साथ और देखा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।